भाई ये बात मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ कि इन वीडियो में मैं जो भी बात कहूँगा वो चीज़ें आप अपने आप पे इम्प्रूव कर लेते हो और उसके बाद आपकी गर्लफ्रेंड 100% बन सकती है। जनाब अगर आप लड़कियों से बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर लेते हो, आपने लाइफ में एक दो गर्लफ्रेंड बनाई है, तो आपको यकीन नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनकी स्कूल ख़त्म होगी, कॉलेज ख़त्म होगी, जहाँ पर 2 साल से वो जॉब करे वहाँ भी लड़कियाँ हैं, फिर भी उनकी एक भी लड़की गर्लफ्रेंड बनी नहीं। आज तक उनको लगता है कि गर्लफ्रेंड बनाना कितना बड़ा काम होता है। आप वही इंसान हो जिनके बारे में मैं अभी बता रहा था, तो आपको ये यकीन नहीं होगा कि लड़की बनाना, लड़की को अपना दोस्त बनाना कितना मामूली काम होता है, कितना ईजी काम होता है। जैसे आप पानी पीते हो या खाना खाते हो, इतना ईजी। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल दोस्त नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एक समय पर मेरे लिए भी लड़की बनाना सबसे मुश्किल काम था और आज मेरे लिए लड़की बनाना सबसे मामूली काम। तो कुछ रीज़न है कि आज तक आपकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, उसके रीज़न है जो आप नहीं जानते हो। आप जानते तो लेकिन उसको समझते नहीं हो, आपको लगता कुछ और है और रियल में कुछ और है। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको एक गर्लफ्रेंड बनाकर दे सकता है। सबसे पहला रीज़न है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई भी लड़की आपको पसंद नहीं करती, क्योंकि आपको लगता है कि आप में पसंद करने लायक है क्या। तो ये आपको लगता है सिर्फ, तो आपको लगने से कुछ नहीं हो सकता। या किसी लड़की ने आपको बहुत पहले आपने थोड़ी सी हिम्मत करके प्रपोज़ किया था और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, तब से आपको लग गया कि नहीं ये ट्राई नहीं करेगी, वरना लड़की अपना इंसर्ट कर देगी। तो आपको ये लगता है कि उसने रिजेक्ट कर दिया, उसको मैं पसंद नहीं है, तो सारी लड़कियों को मैं पसंद नहीं आया हूँ। ऐसा होता है कि आपको भी बहुत सारी लड़कियाँ पसंद करती है, जैसे आपको बहुत सारी लड़कियाँ पसंद आती है ना, वैसे लड़कियों को भी आप पसंद आते हैं, क्योंकि आपको कभी आप में वो खासियत दिखेगी नहीं जो लड़कियों को दिखेगी। आज भी ऐसा होता है, लड़कियों को भी यही लगता है कि मुझ में कुछ खास नहीं है, लेकिन आप उसे पसंद करते हो ना, क्योंकि आपको उनमें खास दिखता है। इस तरह से लड़कियों को भी आप में बहुत कुछ अच्छा लगता है, तो कभी ऐसे मत सोचो। ये भी हो सकता है कि आपको जिस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था उससे बेटर भी लड़की आपको मिल सकती है। हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि हर लड़की का अलग अलग माइंड होता है। कैटरीना कैफ अगर सलमान खान को रिजेक्ट कर सकती है, तो कोई नई लड़की आएगी जो कैटरीना कैफ से भी बेस्ट होगी, उसे सलमान पसंद आ जाएगा, तो क्या वो कैटरीना का माइंड है और नई लड़की का माइंड? हमेशा जो आप सोचते हो ऐसा नहीं होता। दूसरी गलती शायद आपकी ये हो सकती है कि आपका जो ग्रुप है उसकी इमेज बहुत ही ख़राब है, बैड इमेज ग्रुप है, बैड बॉयज़ का ग्रुप है आपका। मोस्ट ऑफ आपके ग्रुप में अगर सिंगल लड़के हैं तो आप पूरी जिंदगी सिंगल रहोगे, ये मान लो, क्योंकि आपका ग्रुप सिंगल लड़कों का ग्रुप है। तो यहाँ पे बातें भी ऐसी होगी कि लड़कियों को हम भाव नहीं देते, लड़कियाबाजी, लोंडियाबाजी, ये वो। तो क्या होता है कि आपके ग्रुप की इमेज के कारण आपकी भी एक यूनिक इमेज बनती है आपके कॉलेज में, जहाँ भी, तो लड़की आपको यही देखेगी, ये आवारा लड़के। तो लड़की ऐसे लड़कों को पसंद नहीं करती, ऐसे लड़के के साथ कोई लड़की बात करना भी नहीं चाहती। गर्ल्स लाइक जेंटलमैन, अच्छे लड़कों को पसंद करती ना, तो आपके ग्रुप की इमेज आपको ये बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। आपकी तीसरी गलती के बारे में बात किया जाए तो एक तो आप में हिम्मत नहीं होती है, तो आप पहले हिम्मत जुटाते हो और एक ही बार में लड़की के सामने हो जाते हो और उनको प्रपोज कर देते हो। लड़की ने आपको जिंदगी भर कभी देखा ही नहीं होता, उनको लगता है कि यार अचानक से कौन लड़का आ गया, वो आपके बारे में कुछ नहीं जानती, बिल्कुल जीरो, कोई पता नहीं आप कौन हो, कहाँ से आए हो, और बीच में टकक गए और आपने उनको प्रपोज कर दिया, ठीक है। तो लड़की को ना बोलना है 100% अगर वो आपको नहीं जानती, क्योंकि वो जानना चाहेगी ना कौन हो, कैसे हो, उसके बाद वो आपके बारे में सोचेगी। आपको लगा कि यार मैंने इतनी बड़ी हिम्मत करके ट्राई तो मार दी लेकिन फेल हो गया, तो आप यहाँ से हार मान लेते हो। तो नहीं भाई, लड़की पटाने की एक प्रोसेस होती है, पहले उनसे बात करो, दोस्ती करो, जानने दो, आपको तो पसंद है, लेकिन वो आपको देखेगी, जानेगी, आप उसे पसंद आओगे, उसके बाद आपको लगेगा कि वो आपसे इंप्रेस हो गई, तब प्रपोज करो, कभी रिजेक्ट नहीं होगे। चौथी गलती कि आपकी लड़कियों के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं दूर दूर तक, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ भाई लोगों के साथ घूमना पसंद करते हो, लोंडों के साथ ही रहना पसंद करते हो। तो लड़के आपके बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ लड़कों से बात करता है, उनको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो आपके कोई कनेक्शन नहीं बन रहे। आपने क्या किया कि मन में एक ही लड़की के बारे में सोच रखा है कि इसी लड़की को पटाना है, इसी लड़की को पटाना है, तो कभी कभी पॉसिबल नहीं होता कि वही लड़की को आप पटा पाओ, ठीक है। इसे होता क्या है कि आपको एक कनेक्शन बनाना चाहिए लड़कियों के साथ, सब लड़कियों के साथ बातचीत करो, दोस्ती करो, क्योंकि इसी ग्रुप में से, ऐसे ही माहौल में से कोई ऐसी लड़की आएगी जो आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी, जो आपको पसंद आएगी और आप उसे पसंद आओगे, थोड़े से सोशल हो जाओ, लोगों के साथ घुल मिल जाओ। जो लड़के सोशल होते हैं ना, लड़कियों के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर लेते हैं ना, लड़कियाँ आसानी से ऐसे लड़कों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। जो लड़का सिर्फ सिर्फ लड़कों के साथ रहता है, जो अकेला अकेला घूमता है, लड़कियाँ विश्वास नहीं करती ऐसे लड़कों के ऊपर, डरती है वो। पांचवा रीज़न कि आप बिल्कुल चुपचाप चार्ली हो, आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन लड़कियों के सामने आप बिल्कुल ही चुपचाप रहते हो, बाहर निकलते हो तो बिल्कुल चुपचाप रहते हो। ऐसे होता है क्या है पता है, कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि तुम में है क्या। आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो लड़कियों को अच्छी लगती है, इससे लड़कियाँ इंप्रेस हो सकती है। तो लोगों के सामने जाओ, इवेंट में आपको परफॉर्म करना चाहिए, बोलना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि आप अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहे हो। रिलेशन में अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है आपको, कि लोग आपको जानेंगे कि हाँ इस लड़के में ये भी है, तभी तो वो आपको पसंद करेगी। और आई एम श्योर कि हर लड़के में ऐसा बहुत कुछ होता है जो लड़कियों को पसंद होता है, लेकिन आप छुपा देते हो, बताते ही नहीं हो। लास्ट फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट वो है कॉन्फिडेंस। एक मर्द में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक शेर जैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लड़कियाँ शर्माती है क्योंकि वो एक लड़की है, और लड़के को शर्माना नहीं चाहिए क्योंकि वो एक लड़का है। सिर्फ ये एक रीज़न है कि आप में कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। लड़कियाँ हमेशा ये चाहती है कि लड़का सामने से आकर उसे अप्रोच करे, लेकिन आपके तो यार डर लगता है वो मना कर देगी तो क्या हो। लड़की तो सोचती है कि वो प्रपोज करेगा तो मैं हाँ बोलूँगी, लेकिन आप जा ही नहीं रहे हो, आप डर रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस लाए कैसे, इसके लिए भी आपको लड़कियाँ ही काम आएगी। लड़कियों के साथ बातचीत करना शुरू करो, तभी आप में हिम्मत आएगी।